जिस राहत का इंतजार दिल्ली वाले पिछले कई दिनों से कर रहे थे, वो राहत सुबह सुबह ऐसी बरसी कि राहत का ओवरडोज देखते ही देखते आफत में बदल गया। इस तस्वीर को देखकर क्या कहेंगे आप, सड़क या दरिया? ये दिल्ली का तिलक ब्रिज, इतनी मूसलाधार बारिश हुई है कि ब्रिज के नीचे नदी बहने लगी। सड़क पर पानी का बहाव देखिए और अंदाजा लगाइए कि चंद घंटे में कितनी ज्यादा बारिश हुई है। दिल्ली में बरसी मूसलाधार आफत की एक और तस्वीर देखिए, ये भी आईटीओ इलाके की ही है। सड़क पर पूरा जलभराव और राहगीरों की जद्दोजहद। दिल्ली में जब भी मूसलाधार बारिश होती है, इंतजामों की पोल खुल जाती है, सड़कें नदियों में तब्दील हो जाती है और परेशानी भुगतते हैं काम से घर से निकलने वाले लोग। इस ऑटो वाले को देखिए, पानी घुसने से इंजन जवाब दे गया। जिस वक्त हम ये तस्वीरें दिखा रहे थे, उस वक्त मैं फुटपाथ से नीचे सड़क पर मौजूद था, लेकिन अब आलम बदल सा गया है। फुटपाथ पर जो पानी है वो पहुंच गया, सड़क पूरी तरह से समुंदर में तब्दील हो गई है। फुटपाथ और सड़क में कोई भी फर्क जो है वो नज़र नहीं आ रहा। जो लहरें आप देख रहे होंगे, अक्सर ये लहरें समुंदर की लहरें नज़र आती है, लेकिन अब ये दिल्ली की सड़कों पर नज़र आ रही है। पूरी दिल्ली के तमाम इलाकों में इस तरीके से जल जमाव की स्थिति जो है वो खड़ी हो गई है। लोगों को घंटों इस तरीके से ट्रैफिक जाम से जूझना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं कि कई किलोमीटर तक ITO, जहाँ पर PWD विभाग यहाँ पर खुद मौजूद है, तमाम अफसरों के यहाँ पर दफ्तर मौजूद हैं, उसके बाहर की ये स्थिति। और दोनों तरफ अगर ITO से अगर हमें लक्ष्मी नगर जाना है और लक्ष्मी नगर से अगर हमें ITO की तरफ आना है, इन तमाम रूट्स पर आपको पानी की जो जल भराव जो है वो आपको साफ तौर पर नज़र आएगा। लाजपत नगर की ये तस्वीर देखिए, फ्लाईओवर के नीचे पानी भरा है। कार वाले हिम्मत जुटाकर पानी को पार करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा पानी देखकर एक कार वाले की हिम्मत जवाब दे जाती है और वो तुरंत कार बैक करने लगता है। हालांकि उसी वक्त दूसरी कार पानी पार करने में कामयाब रहती है। ये दिल्ली का आजादपुर इलाका है। इलाके के लोग इन तस्वीरों को देखकर आज सोच रहे होंगे कि जल भराव से उन्हें कब आजादी मिलेगी। सड़कें पानी से भरी हुई हैं, आवाजाही पर भारी संकट है। सड़क पर पानी इतना कि गाड़ियों के पहिए पूरी तरह डूबे हुए हैं। हालांकि संकट के बीच स्थानीय प्रशासन की टीम पानी निकालने और बंद नाली को खोलने के काम में जुटी नजर आई। आजादपुर में अंडरपास में खासतौर पर पानी निकालने के लिए जेट पंप लगाया गया है, जिसकी वजह से अंडरपास जल भराव से बच गया। अब जल भराव के लिए कुख्यात विंटो रोड की तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ पानी इतना ज्यादा जम गया कि पुलिस बैरिकेड का आधा हिस्सा पानी में डूब गया। विंटो रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। अगर सड़क बंद नहीं होती तो सोचिए जल भराव से लोगों को कितनी भारी मुसीबत हो जाती। यहाँ पे आपको दूर दूर तक ये सड़क तालाब में तब्दील नजर आ जाएगी और यहाँ जो गाड़ियाँ हैं वो जल्द से जल्द इस जल भराव से निकल जाना चाहती हैं। यहाँ पर जितने लोगों से हमारी बात हुई, हर कोई नाराज था। किसी को 9 बजे दफ्तर पहुँचना था, किसी को 8 बजे दफ्तर पहुँचना था, लेकिन सभी यहाँ ट्रैफिक जाम में फंसे हुए हैं। अब दूर तक ये जाम लगने की वजह यह है कि आधी से ज़्यादा सड़क में जल भराव है और लोग सुरक्षित जगह को चुन रहे हैं। वो चाहते हैं कि उनकी गाड़ी इस जल भराव में ना फंसे। जो बड़े वाहन हैं जैसे कि बस, ये इस जल भराव से इस तरह गुजर जाती हैं, लेकिन जो बाइक चालक हैं जिन्हें आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये बाइक चालक इस जल भराव से नहीं निकल पाते हैं। दिल्ली में आज पानी मुसीबत की तरह बरसा है। इस स्कूटी सवार का दर्द समझिए, भारी बारिश में स्कूटी ने जवाब दे दिया। उसी के पीछे एक ऑटो वाला परेशान हाल है। दिक्कत है बहुत ज्यादा, बारिश जरा जरा बारिश होती है जाम लग जाता है, पूरा बारिश गाड़ी अपन जाम पानी भर जाता है जगह जगह पे। बहुत दिक्कत परेशानी होती है। सर ये पानी इधर भरा है, अपना मिंटू रोड भरा है, जहाँ देखो सर उसी एरिया में पानी भरा पड़ा है। आने जाने में दिक्कत है, पानी भरा हुआ है, स्कूटी बंद है, गाड़ी बंद हो रही है, बहुत ज्यादा पानी भरा हुआ है। कुछ ऐसा ही मंजर दिल्ली के खड़क सिंह मार्ग का है। चारों तरफ पानी ही पानी। अब दिल्ली के अलग अलग इलाकों में बरसी आसमानी आफत की तस्वीरों को एक साथ देखिए। ऐसा कौन सा इलाका है जो इस मुसीबत से अछूता है? अब तो मौसम विभाग ने भी तस्दीक कर दी है कि बारिश भयानक थी।
दिल्ली के सफदरजंग में आज सुबह 8:30 बजे तक पिछले 24 घंटे में 138.8 मिलीमीटर बारिश हुई है। 1961 के बाद दिल्ली में ऐसी भारी बारिश हुई है। 2 अगस्त 1961 को 184 मिलीमीटर बारिश हुई थी। दिल्ली से सुशांत मेहरा और पंकज जैन के साथ आज तक।